अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजर खान रेलवे स्टेशन पे और आज मैं 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस में गुजर खान से वज़ीराबाद जाऊँगा और वो जर्नी करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और टिकट भी मैंने ले लिया है। टिकट जो मुझे मिला है ये रहा 650 रुपये का टिकट गुजर खान से वज़ीराबाद। तो अभी तक ट्रेन आई नहीं है, तकरीबन 2 बजे ट्रेन आएगी। पहले 12:30 बजे रावलपिंडी से चलती थी तो 1:30 बजे पहुंच जाती थी, अब इसका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हुआ है, 1 बजे चलती है रावलपिंडी से और 2:05 पर ये गुजर खान रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो आज चलेंगे गुजर खान से वज़ीराबाद तक। अभी ली है एक ठंडी बोतल, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यह है मेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन हमारी आएगी वो सामने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1 नंबर, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ सामने, ये बिल्डिंग नीचे गुजर खान रेलवे स्टेशन की मेन। ट्रेन तकरीबन 20 मिनट लेट है। GU24567 अगेन। मैं जब भी इस ट्रेन में जाता हूँ मुझे इत्तेफाक से यही वाला लोकोमोटिव मिलता है। टिकट तो मेरे पास ओपन है तो भी जगह देखेंगे बैठने की मिलती है या नहीं। अब डिपार्चर विसल हो गया है और अब ट्रेन हमारी गुजर खान रेलवे स्टेशन से निकल रही है। केबन वाले भाई वेलकम वेलकम कर रहे थे मुझे। बहुत ही खूबसूरत पार्क बन रहा है, ये गुजर खान के करीब न्यू सिटी है जो बन रही है और ये पार्क भी तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। तो अभी जो हमें पहला क्रॉस मिलेगा वो 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस का मिलेगा। मिस्सा केसवाल रेलवे स्टेशन जहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, ये ऊपर करके बिल्डिंग है इसकी। तालाब जो पुराने ज़माने में हिंदू यूज़ करते थे
वो यहाँ पे नहाते थे, स्नान करते थे। लूप लाइन का सिग्नल डाउन, आई थिंक क्रॉस होगा इधर 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ। और ये ट्रेन हमारी हो गई है लूप लाइन पे डाइवर्ट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और भैंसें भी बैठी हुई हैं पानी में। ठंडे पानी के मज़े ले रही हैं भैंसें। ये पहुँच जाए हम सोहावा। उम्मीद तो जाफर की थी लेकिन आ गई है 11:18 का। जाफर भी बिल्कुल इसके पीछे ही है। अलेवन अप हज़ारा एक्सप्रेस के गुजरने के बाद ट्रेन हमारी निकल चुकी सोहावा रेलवे स्टेशन से और आगे अब हमें क्रॉस पड़ेगा 39 अब जाफर एक्सप्रेस। रेलवे वर्कर मेन ट्रैक पर काम करते हैं।
सामने 39 अब जाफर एक्सप्रेस खड़ी है, नज़र आ रही है उधर से करकी रेलवे स्टेशन पे, और लूप लाइन से ही गुजरेगी हमारी ट्रेन भी क्योंकि लूप लाइन का ही सिग्नल डाउन हुआ है। सामने नैरो गेज की लाइन, और ये सामने ऊपर पहाड़ है जहाँ से मैं आपको तरकी रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा चुका हूँ। अच्छा जी, एक मैं टिकट चेक करा दूँ। क्या जी? नहीं ये 39 अब जाफर एक्सप्रेस रेड सी यू 20 64 26 के साथ खड़ी है। ट्रेन हमारी भी रुकेगी क्योंकि आगे अभी सिग्नल डाउन नहीं है। ये जी मेन बिल्डिंग तरकी रेलवे स्टेशन की, किलोमीटर का ये हाफ शो कर, और इस कर को मैंने जो टर्की की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कवर किया था जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया। मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितना बड़ा कर्व है। और ये एंड जो होता है ये बिल्कुल टर्की स्टेशन के पीछे ही होता है, मतलब बैक साइड पे ही होता है।
मीना रेलवे स्टेशन इस टाइम अप्रोच कर रहे हैं हम। डिपार्चर विसल हो गया 2 मिनट के स्टॉप के बाद और ट्रेन हमारी खिसकना शुरू हो गई है। बीना रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं इस टाइम और अगला जो इसका स्टॉप होगा वो झेलम होगा 2 मिनट का। दीना रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और अगला जो इसका स्टॉप होगा वो होगा झेलम। कालूवाल रेलवे स्टेशन से क्रॉस हो रहे हैं सर। काला गोजरा से इस टाइम थ्रू पास हो रहे हैं। झेलम रेलवे स्टेशन के यार्ड में इंटर हो गए हैं और ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये रेलवे ब्रिज फैक्ट्री है, वर्कशॉप है जहाँ पे रेलवे के ब्रिज वगैरह तैयार किए जाते हैं और यहीं से मेंटेनेंस इनकी होती है। काफ़ी बड़ी ये वर्कशॉप है जो झेलम रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। और ब्रिज वर्कशॉप से ये थोड़ा सा आगे झेलम का लोको शेड जो खाली है, कोई भी लोकोमोटिव नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे फिलहाल। बहुत ही ज़्यादा रश आवाम का। डिपार्चर विसल हो गया और ट्रेन भी 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल चुकी है झेलम रेलवे स्टेशन से। बहुत ही छोटा सा लेकिन साफ सुथरा स्थान लगा है।
झेलम ब्रिज से इस टाइम हम क्रॉस हो रहे हैं और झेलम तो तकरीबन आधा खाली पड़ा हुआ है, नीचे पानी नहीं है और काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, 7 रोड ब्रिज है इसके। पुराना रोड ब्रिज है, जो दूसरा है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जो नया बना हुआ है जीटी रोड का। यहाँ पे कुछ पानी है, और ये जगह पानी से भरी हुई है और सामने आपको जीटी रोड नज़र आ रहा है जो नया पुल बना हुआ। चार बजे हैं और खारियाँ शामी ट्रेन ने अप्रोच की है और लोग लाइन पर डाइवर्ट हो गए, यहाँ पर रुकेगी। पिराना रेलवे स्टेशन से हम क्रॉस हुए हैं, चार तकरीबन हो रहे हैं और लाला मुँह का फंक्शन इंटर हो रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी 2 मिनट का शॉप है,
एक्सप्रेस का वेट खड़ा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भैया काफ़ी ज़्यादा रश है इधर भी आवाम का। चनाब एक्सप्रेस 135 दाम सरगोधा के दरमियान चलती है। एक 135 दाम चनाब एक्सप्रेस का भी डिपार्चर वसल हो गया। GMCU 3405 चनाब एक्सप्रेस के साथ अटैच है। सवा 4 बजे लाला मनसा से निकलती है और सरगोधा इसकी मंजिल है। हमने जाना है मेलबर्न पे। और ये जो लाइन ये सरगोधा की तरफ जा रही है अभी वो चनाब एक्सप्रेस सॉरी सरगोधा की तरफ जाएगी। वो सामने सिग्नल भी डाउन है। गंदम की कटाई शुरू हुई है। Thank you.
बहुत ही तेज़ स्पीड से इस टाइम पास हो रही है ट्रेन जो है वो देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन से, और स्पीड आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ स्पीड है, तकरीबन 100 के लगभग स्पीड है इसकी। ट्रैक के बिल्कुल साथ ही जीटी रोड, सामने जीटी रोड का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू, जीटी रोड और रेलवे ट्रैक एक साथ। चार बज के 35 मिनट और गुजरात रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं हम। स्टेशन पे भी आम का यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश है। तो उतर जाते हैं हम। तकरीबन 10 मिनट हो गए गुजरात रेलवे स्टेशन पे, और ये कोई स्पेशल ट्रेन आ रही है 4553 के साथ, इंजन भी उल्टा ही लगा। DS स्पेशल ट्रेन डिपार्चर विसल हो गया हमारी भी ट्रेन का। पंद्रह मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन गुजरात रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, और लेट इसलिए इसकी हुई क्योंकि DS स्पेशल ट्रेन जो है वो अप्रोच कर रही थी, तो क्रॉस था उसका इस वजह से। और अभी हम वज़ीराबाद के करीब, वज़ीराबाद से पहले जनाब रिवर के पास पहुंच आए हैं,
और अभी कुछ ही देर में क्रॉस होंगे चेनाब रिवर से। और चेनाब रिवर के फौरन बाद ये हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन, और उसके बाद चेनाब रिवर की एक्सटेंशन आएगी। ये वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से पहले नाला, यहाँ पे अक्सर भैंसें वगैरह भी नहा रही होती हैं। तो फाइनली वज़ीराबाद जंक्शन इस टाइम हम अप्रोच कर रहे हैं। दोस्तों वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन में पहुंच आया हूं। रश काफ़ी ज़्यादा है यहां, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।